Good morning, students. Today is your first class of history. Open your textbooks and open page number 7. The first chapter is an introduction to history. Introduction matlab an introduction to history. Introduction means that to introduce about history. What is history? So when, where and how? First of all, we will know what is history. According to Herodotus, Herodotus regarded as the father of history. History means study or investigation of the past. इसका मतलब होता है कि पढ़ना या past के बारे में खोजबीन करना. तो जैसा कि हम जानते हैं, history is the study of the past. एक लगातार और सिस्टमेटिक जो एक नैरेटिव होता है पास्ट की घटनाओं का, जो रिलेटेड है पर्टिकुलर पीपल, कंट्री, पीरियड, पर्सन एट्सेट्रा. इन फैक्ट में हिस्ट्री जो है ट्रेस करता है कि प्रोग्रेस जो है मनुष्य का उस समय से जब ह्यूमन अपीयर हुआ आज की प्रेजेंट डे तक वह बताता है, और वही हिस्ट्री है. तो जैसा हम लोग सब जानते हैं कि पहले हम लोग चार पाँव पर चलते थे, तो वो चार पाँव पर जो हम लोग चलते थे, तो कैसे हम लोग सभ्य बने, सिविलाइज्ड बने, कैसे हमारा प्रोग्रेस हुआ, और आज जो है हम एक कितना डेवलप कर गए कि टेक्नोलॉजी वगैरह आसमान पे, मतलब चांद सितारों पर जाने लगे. तो ये सारी चीज़ें एक हिस्ट्री ही होती है. और ये भी याद रखना बच्चों, जो हिस्ट्री आया तभी तुम्हारा बाकी का बुक्स भी आया, लिटरेचर तभी आया. तो हिस्ट्री वी मस्ट स्टडी. अब हिस्ट्री क्या है कि एक प्री हिस्ट्री भी है. हिस्ट्री के पहले एक प्री हिस्ट्री. तो प्री हिस्ट्री किसको रेफर करते हैं, तो वह उस समय को, सिविलाइजेशन और राइटिंग जब नहीं था, उस वक्त की हिस्ट्री को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं. कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं है उस समय का. हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं जो हमको टूल्स मिलता है, वेपन्स मिलता है, केव शेल्टर और बोन्स जो है, वो सारी चीज़ें जब हम खुदाई में पाते हैं तो हमको हिस्ट्री के बारे में, मतलब कैसे हम लोग थे उस बारे में पता चलता है. सो दैट इज़ कॉल्ड प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है. तो अब हम लोग आते हैं कि हम लोग को हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए. तो स्टडी जो है पास्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम जान सकें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को, जो पास्ट में शेप डालता है. पास्ट जो है वह जड़ है हमारे फाउंडेशन का. तो कैसे सेवरल ग्रुप्स, जैसे प्री आर्यंस थे, इंडो आर्यंस थे, ग्रीक्स थे, तुर्क्स थे, सब मिक्स हो गए एक दूसरे से. परिणाम क्या हुआ कि आज जो है हमारा प्रेजेंट इंडियन रेस बना. रेस का मतलब होता है कि एक ग्रुप बना, जैसा कि हम लोग का सबके पास कॉमन फीचर है. हम लोग ये भी जान सकते हैं कि मिस्टेक्स जो हमारे पूर्वजों ने किया, एंसेस्टर्स ने किया, और जो हमने सीखा कि उनको हम लोग अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे उन मिस्टेक्स को. हम लोगों ने सीखा रिलीजियस टॉलरेंस, बर्दाश्त करना. जैसा कि पीपल पास्ट में, चाहे वो हिंदूस थे, बुद्धिस्ट थे या जैन्स, सब पीसफुल रहते थे, हारमोनी में एक साथ रहते थे. ये भी इन्फॉर्म करता है एविल्स के बारे में जो प्रेजेंट है हमारे सोसाइटी में, दैट इज़ कास्ट सिस्टम, सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड. और समझते हैं ये इन सारी बुराइयों को, इन सारे एविल्स को हमें हटाना है. तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे, नेक्स्ट डे और आगे पढ़ेंगे. तो हमने कुछ क्वेश्चन दिया है, आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो कॉपी द नोट्स दैट आई हैव गिवन यू. वॉट इज हिस्ट्री, वॉट इज प्री हिस्ट्री, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, वाई इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट, सारे आंसर्स आपको इसी नोट्स में मिलेंगे. इसीलिए सारा, मतलब इसको उतार के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.